प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। डोटासरा बोले, उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम सातों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पैनल तैयार, हमसे किसी ने बात नहीं की। राजस्थान कांग्रेस ने उपचुनाव में बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम सातों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सोमवार को सातों विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी सातों सीटों पर तैयारी है, हमने सातों सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तय कर लिए हैं, सातों सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों के पैनल भेजेंगे, उसकी चर्चा कर ली है। बैठक में डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, राष्ट्रीय महासचिव भवर जितेंद्र सिंह और तीनों सह प्रभारी सचिव भी मौजूद थे। डोटासरा ने कहा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कमेटी ने सातों सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तय कर हाईकमान को भेज रही है। अब हाईकमान गठबंधन पर कोई निर्देश दे दे तो उससे हम अब बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा सातों सीटों पर लड़ने का है। उन्होंने कहा, सातों सीटों पर हमारा पैनल प्रदेश प्रभारी रंधावा हाईकमान के पास लेकर जा रहे हैं, हाईकमान के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद कभी भी टिकट घोषित हो जाएंगे।